अक्सर विवादों विच रहन वाले तखत श्री पटना साहिब दे साबका जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह एक बार फिर तो नवा विवाद छेड़ दिता है। विवाद गुरु साहिबान दी कुल ते वंशज नूं लैके। दरअसल अयोध्या च राम मंदिर दे उद्घाटनी समागम विच पहुंचे ज्ञानी इकबाल सिंह ने गुरु नानक देव जी ते गुरु गोबिंद सिंह जी नूं भगवान राम दे पुत्रां दे वंशज दस दिता, जिस तों बाद सिख संगतां च गुस्से दी लहर है। ज्ञानी इकबाल सिंह ने कहा, मोदी ने खुद सानूं इत्थे सद्या है क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी मर्यादा पुरशोत्तम श्री रामचंद्र जी दे वड्डे पुत्र लव सन। उन्हां दे वंशज ने गुरु गोबिंद सिंह जी ते छोटे पुत्र कुश दे वंशज ने गुरु नानक देव जी जो बेदी सन ते सोढ़ी सन गुरु गोबिंद सिंह जी ओह लव दे वंशज सन। साडे तां इह पूर्वज ने ते अपने पूर्वज रामचंद्र जी दी जो जन्म भूमि है उत्थे जो अज भूमि पूजन हो रहा है उत्थों दी नींह रखी जा रही है। विशाल मंदिर जो कि पूरी दुनिया विच हिंदुस्तान की एक वक्री शान होगी। इकबाल सिंह दे इस बयान ने सिख भाईचारे विच जिथे वड्डी चर्चा छेड़ दिती है उथे ज्ञानी इकबाल सिंह दी इस समागम विच शमूलियत ते भी सवाल खड़े हो रहे ने। सिख गुरु साहिबान नूं लैके विवादित बयानां दा सिलसिला इत्थे ही नहीं रुकिया। अपने संबोधन विच वख-वख भाषावां च रामायण दा वर्णन करदिआं प्रधानमंत्री मोदी भी विवादित बयान दे गए। मोदी ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी गोबिंद रामायण लिखी है। प्रधानमंत्री के इस विवादित बयान की भी सिखा वालों नुक्ताचीनी की जा रही है। दस दिए कि श्री राम मंदिर के उद्घाटनी समागम में शमूलियत लई केंद्र सरकार ने देश भर दीआं धार्मिक शख्सियतों को सद्दा दिता सी, जिन्हां विच पंज तखत साहिबान के जत्थेदार भी शामिल सन। पर तखत साहिबान के जत्थेदारा समेत कोई भी धार्मिक शख्सियत समागम में शामिल नहीं हुई। इसके उल्ट सिर्फ ज्ञानी इकबाल सिंह ने अयोध्या राम मंदिर के समागम में शिरकत की। ज्ञानी इकबाल सिंह का शुरू तो ही विवादों नाल गूढ़ा नाता रहा है। बोर्ड के कुछ मैंबरों वालों ज्ञानी इकबाल सिंह दे आरएसएस का एजेंट होने के दोष लगाए गए सन। इस तों इलावा ज्ञानी इकबाल सिंह ते सिख रहित मर्यादा की उलंघना ते माड़े आचरण संबंधी इल्जाम लगे सन। दोष सन कि उन्होंने दो विआह करवाए ने। इकबाल सिंह खिलाफ कुछ औरतों वालों श्री अकाल तखत साहिब से शिकायत की गई सी। इस विच उन्हां दी दूजी पत्नी वालों दुरव्यवहार ते शोषण के दोष लाए गए सन। हालांकि उन्होंने यह सारे दोषों नूं गलत करार दिता सी, पर बाद विच उन्हां दे बेटे गुरप्रसाद सिंह दी सिगरट पींदे दी वीडियो वायरल हुई सी, जिस तों बाद उन्हां नूं तखत श्री पटना साहिब दे जत्थेदार दे अहुदे तों मार्च 2019 विच अस्तीफा देना पिया सी। पर हुण इस मंदभागे बयान ने एक बार फिर तो नवीं चर्चा छेड़ दिती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जगबाणी टीवी।